बूंदी जिले के हिंडोली में रिट भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उपखंड प्रशासन ने हिंडोली में बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क केंद्र बनाया है। इसी के साथ ही तलाव गांव हिंडोली पेज की बावड़ी बसानी नया गांव में मदद के लिए उपखंड प्रशासन ने चौकियां बनाई है। हिंडोली तहसील में 24 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 4488 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें हिंडोली में थेरा व उप तहसील दबलाना में 11 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को हर संभव मदद व जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। SDM मुकेश कुमार चौधरी व तहसीलदार KSV सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यवस्थाओं के इंतजाम को लेकर स्वयं परीक्षा केंद्रों व अन्य आवास व भोजन सहित सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। हिंडोली बस स्टैंड पर बनाए हेल्प डेस्क चौकी पर निरीक्षण करने पहुंचे SDM मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि रिट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। चेक पोस्ट पर पूरी जानकारी सहित परीक्षा केंद्रों का मैप भी उपलब्ध करवा दिया गया है। रोडवेज बस सहित निजी साधनों की व्यवस्था कर ली गई है। अभी पूरा प्रशासन अमला व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। प्रत्येक हेल्प डेस्क की चौकी पर सिविल डिफेंस के जवान लगा दिए गए हैं। पुलिस सहित यातायात कर्मी सभी अलर्ट मोड पर हैं। आरती न्यूज के लिए हिंडोली से जितेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। रीट है, लंबे समय से विद्यार्थियों को इंतजार था इस घड़ी का, अब ये घड़ी आ चुकी है, तो क्या कुछ कहना है इस बारे में? ये राजस्थान सरकार ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है परिवहन के लिए, और प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा योगदान है, और अशोक गहलोत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी जो रेट प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत ही सावधानी बरती है प्रशासन द्वारा, और सभी प्रकार का जितना सहयोग सरकार से हो रहा है वो कर रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सरकार का। परीक्षा को लेकर कैसे तैयारी रही है आपकी? परीक्षा को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी लंबे समय में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमने हमारे हिसाब से बढ़िया तैयारी की है और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में एग्जाम देने जा रहे हैं। की रीट, लंबे समय से विद्यार्थियों को इंतजार था इस घड़ी का, ये घड़ी आ चुकी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक लग रहा है। कैसी तैयारी रही है रीट की? टाइम के साथ ही जल्दी छुट्टी होनी है, अब देखते हैं पेपर देने के बाद ही पता लगेगा पेपर कैसा। सरकार तमाम वादे कर रही है, मुफ्त यात्रा भी सरकार ने की, तो सरकार के इस कदम को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कदम करानी बच्चों को, मतलब इसमें सुविधा नहीं की रीट जो अब साकार होती नज़र आ रही है। लंबे समय से परीक्षार्थियों को इस घड़ी का इंतज़ार था, वो आ चुकी है, तो परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ की गई है? परीक्षार्थियों के लिए संपूर्ण उपखंड क्षेत्र हिंडोली में 24 सेंटर हैं जो 16 लोकेशंस पे हैं। इन सभी लोकेशंस पर अपने रहने खाने पीने के इंतजाम किए हैं। साथ ही उपखंड क्षेत्र हिंडोली से जो हेडक्वार्टर हिंडोली है वहाँ से अपने पास 4 बसें और 10 जो जीप हैं उनकी व्यवस्था अभ्यर्थियों को अपने सेंटर पर छुवाने के लिए की है। इसके अलावा प्राइवेट और समाज सेवी लोग भी अपने वाहन यहाँ पर लगा रहे हैं। साथ ही सभी सेंटरों का हमने भौतिक निरीक्षण कर लिया है, वहाँ पर सब सुविधाएँ हैं। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।